हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक बाबा चैनल। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे टेक्स की वीडियो देखते रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। जैसे आपके काफ़ी मनी बचेगी, जैसे आप कभी स्मार्ट मोबाइल लेने जाते हैं या फिर कभी कोई मोबाइल लेने जाते हो बजट मोबाइल, तो आपको एक परफेक्ट मोबाइल खरीदने में दिक्कत आती होगी। आप देखते होंगे कि आपको फिर कोई मोबाइल ले लेते हो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, जो आपको चाहिए वो संतुष्टि नहीं मिल पाती, यानी कि आप जो जो मोबाइल चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो मैं आपको 10 या फिर 11 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप देखने के बाद ही अपना मोबाइल डिसाइड करिएगा आपको कौन सा लेना है, यानी आपको क्या यूजेस चाहिए क्या क्या चाहिए। तो हम आज पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ही आता है आपका बैटरी। तो आप सभी देखते होंगे कि आप बैटरी के लिए मोबाइल लेते हो तो आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक मोबाइल होता है आईफोन, देखा होगा आपने आईफोन 12, आईफोन 13, ये कितने एमएच बैटरी में आते होंगे आप बता दो। तो ये आते हैं 3000 एमएच बैटरी। आप बोलोगे यार 3000 तो बहुत कम है। एक बजट स्मार्टफोन आते हैं वो आते हैं 4500 या 5000, जो 10 से 15000 आते हैं, और एक कोई कोई मोबाइल और ज़्यादा 6000 दे देता है। लेकिन इसके अंदर ये फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा बैटरी पर वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आईफोन देखो 3000 एमएच बैटरी दे रहा है, कुछ तो अंतर ही। तो बैटरी, ज़्यादा बैटरी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 4500 एमएच वाली बैटरी भी उतना ही पावर देगी 2 दिन, और वो भी जल्दी उतना ही पावर देगी। अब इस पर बात होती है कि आप कौन सा चार्जर यूज़ करते हैं। अगर आप 33 से 50 वोल्ट के ऊपर चार्ज को करते हैं तो आप जैसे जितना भी फास्ट चार्ज होगा आपका मोबाइल उतना ही आपको जल्दी ख़त्म होगा, जैसे आप जितना जल्दी खाते हो उतना जल्दी। तो वैसे ही है इसके अंदर, आप जितना फास्ट चार्ज होगा उतना ज़्यादा ख़त्म भी होगा, यानी उतनी जल्दी वापस आपको डिस्चार्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए बैटरी उस पर निर्भर करती है कि अगर आप 18 वोल्ट का चार्ज यूज़ करते हो और एक आप 50 वोल्ट का चार्ज यूज़ करते हो। अगर आप 18 वोल्ट का चार्ज यूज़ करते हो तो आपको उतने ही आसानी से आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, 10 से 20% दोस्तों। अगर 50 का करते हो तो आपको कम मिलेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आजकल मार्केट में बड़े 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 आ रहे हैं 180 वोल्ट क्या 150 वोल्ट, तो 64 वोल्ट 65 वोल्ट के इनके चार्ज आ रहे, तो आपके लिए बेस्ट है 4500 की बैटरी ले बैटरी वाला मोबाइल, और आपको 33 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक, इससे ज़्यादा नहीं लेना है 50 वोल्ट से, तो नहीं तो आपका वो परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ सकती है। तो ये बैटरीज की बात हो गई। तो अब दूसरी बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो बैटरी के एक ऊपर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है सॉफ्टवेयर का। अगर आपको मोबाइल आपके जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको ऑटोमेटिक हटाने या फिर ऑटोमेटिक बैकग्राउंड से हटाने के लिए, इससे क्या होता है पावर कंज्यूम होती है। जैसे आपके कोई बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रहा है बिना फालतू का, तो उसका आपका सॉफ्टवेयर नेट आता है तो आपकी बहुत ही ज़्यादा पावर डिस्चार्ज होगी। इससे आप 10-20 से 25% तक, यानी 30% तक आपको ये पावर कंज्यूम करके दे सकता है अगर आपको मोबाइल में बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कि आपके कुछ कुछ मोबाइल आते हैं, जैसे आईफोन आ गया या फिर कुछ और मोबाइल आते हैं जिसके अंदर आपको, जैसे आपको कैमरा चलाते हो तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ब्यूटी दे देता है या फिर ऑटोमेटिक कुछ भी ऑटोमेटिक फिल्टर्स, तो उसके अंदर ज़्यादा पावर लगती है। लेकिन आप वही लेना रिकमेंडेड करोगे जो ओप्पो वीवो इनके अंदर आता है, तो आपकी चॉइस है आप कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। लेकिन वैसे तो सही है, लेकिन 20 से 25% कंज्यूम करके देता है। सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, जो कि आपके बैकग्राउंड जो फालतू के एप्लीकेशन चलते रहते हैं उनको हटाने का। तीसरा आता है अपने गेम्स। तो इसके अंदर गेम्स का भी आता है, अगर गेम के लेना चाहते हो आप तो गेम के लिए आपको पता है बहुत कुछ चाहिए होता है, तो आप पोको या फिर आई क्यू पे जा सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल मोबाइल आते हैं गेमिंग के लिए, आपको यहाँ पे 90 FPS की डिस्प्ले दी जाती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर दिए जाते हैं, सिर्फ गेमिंग के लिए बढ़िया है। लेकिन आपको सिर्फ एक बेस्ट फीचर वाला फ़ोन चाहिए, यानी कि एवरेज मोबाइल चाहिए, तो सैमसंग पे जा सकते हैं, नहीं तो आप कैमरा या फिर आपको सेल्फी एप्लीकेशन तो ओप्पो वीवो और ये तो है ही आपके। लेकिन आपको जो आपका आईफोन है ना वो आपको बिल्कुल रियल फोटो पिक्चर करके देता है, वो कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाता, या फिर और कोई मोबाइल भी आते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। कैमरा की बात करें तो आपको कैमरा तो आपके हमेशा रहता है, और आजकल के मोबाइल में 3 कैमरा 4 कैमरा 5 कैमरा डाल रहे हैं, लेकिन यार फोटो देख के कैमरा खींचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फोटो मेन कैमरा एक ही होता है, बस ये पिक्सल बढ़ा देते हैं 108 मेगापिक्सल, अरे और खतरनाक आते हुए मोबाइल। ऐसा नहीं है, आपको पता है आईफोन 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता अपने मोबाइल्स के अंदर, लेकिन एक सैमसंग 108 मेगापिक्सल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पिक्सल होते हैं 108 मेगापिक्सल का है वो कि वो फोटो को कितने भागों में तोड़ रहा है, यानी कितने भागों में बांट रहा है, जितना ज़्यादा छोटे फोटो करेगा उतना ज़्यादा आपको, तो ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप लाइट में या नाइट मोड में यूज़ करेंगे उसको तो आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे उसके,
आईफोन के कंपेरिजन में या फिर और कोई मोबाइल के कंपेरिजन में, तो 12 मेगापिक्सल का बहुत काफ़ी अच्छा होता है, 108 मेगापिक्सल कुछ नहीं है। तो जाते हैं तो आप पहले ये चेक करिए कि वो फोटो कैसे ले रहा है, आप इंटरनेट से या फिर किसी वेबसाइट से दे सकते हैं कि ये मोबाइल फोटो कैसे कैप्चर करता है, कितनी एच डी कितनी क्वालिटी के अंदर कैप्चर करता है, तभी आप ले, क्योंकि मुझे पता है इससे इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, कैमरे पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप 4 कैमरा 5 कैमरा इससे ही घुमा देते हैं, सिर्फ एक कैमरा मेन कैमरा होता है काम के लिए और 2 कैमरे होते हैं बढ़िया, लेकिन एक कैमरा बहुत होता है, एक कैमरा होता है वाइड एंगल या किसी और चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ज़्यादा और फालतू कैमरे डालने से कोई मतलब नहीं है कंपनीज को। तो आप ये भी चेक कर लेंगे वो फोटो कैसे कैप्चर करता है, पहले आप किस साइट पे जाए और उसके देखे डिटेल देखे उसका रिव्यू देखे तभी जाके ले। और चौथी बात आती है आप रोम की, आप देखते होंगे पूरे यार 128 GB 256 GB दे रहे हैं, लेकिन आप ये चेक करना कि ये कौन सी है रोम, यानी स्टोरेज रोम पर 2 प्रकार की होती है, तो एक होती है EMMC और एक होती है UFS। EMMC थोड़ी बजट स्मार्टफोन्स के अंदर आती है तो ये कुछ खास ज़्यादा खास नहीं होती, यानी कि ये बहुत ही देर होती है, और अगर आप UFS लेते हैं वो 10 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, 10 गुना ज़्यादा। अगर आप चेक कर पाए तो आप ज़रूर चेक करें, कम स्टोरेज ले लो, लेकिन UFS भाई इतना भयंकर परफॉर्मेंस देती है 10 गुना। एक तो आप एक गाड़ी के अंदर या बस के अंदर कितने जने जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, एक आप लैम्बोर्गिनी के अंदर 2 जने जाते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो भाई साहब ज़िंदगी में लैम्बोर्गिनी में बैठोगे ना आप आगे जाना चाहते हो, तो वैसा ही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप स्टोरेज सब कुछ चेक करें तो कौन सी क्वालिटी का है कौन सा क्या है, तभी आपको स्पीड मिलेगी। वैसे आजकल स्मार्ट बजट स्मार्टफोन में तो आपको EMMC मिलेगा, ये मेरे 100% है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं करते यूज, और बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में तो आपको जैसे आईफोन इसके अंदर अपने उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डालता है, बहुत ही बड़े बड़े, तभी आईफोन का नाम है। तो ये कुछ ऐसा ही है। अब बात करते हैं डिस्प्ले आपको पता है LCD LED OLED QLED AMOLED बहुत सारी डिस्प्ले आ गई। तो मोबाइल मार्केटिंग में 2 प्रकार के मोबाइल आते हैं, एक वो मोबाइल होते हैं जो अपने डिस्प्ले खुद बनाते हैं, जैसे सोनी LG हुआ सैमसंग हुआ, ये तीनों अपने डिस्प्ले खुद बनाते हैं, अपने खुद ही अपना कारोबार है इनका। और एक चाइनीज मोबाइल, तो आप सेकेंड कैटेगरी मोबाइल आप देख सकते हैं कौन से ओप्पो ये हैं। तो जो ये डिस्प्ले बनाती है ये खुद की डिस्प्ले बनाती है, ये TFT डिस्प्ले बनाती है या फिर कोई और भी डिस्प्ले बनाती है मोबाइल, लेकिन ये बढ़िया होती है अपने आपके दूसरे मोबाइल के कंपेरिजन में, इनकी TFT डिस्प्ले वो काफ़ी बढ़िया आती है, लेकिन आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं इसको। आप अगर आप बजट में स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको TFT डिस्प्ले के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 120Hz डिस्प्ले के अंदर लें, 120Hz की डिस्प्ले के अंदर लें, लेकिन अगर आप AMOLED लेते हैं तो आप 90Hz बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया 90Hz AMOLED डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा चॉइस आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मेरा तो कहना यही है कि आप AMOLED डिस्प्ले भी तो काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। तो डिस्प्ले की बात तो हो गई, डिस्प्ले तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप AMOLED ले सकते हैं, आपको बताया ये तो आपको भी पता होगा, कोर का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डेमेस्टी मीडियाटेक स्नैपड्रैगन माली ये चलते रहते हैं। तो कोर्स के अंदर आपको देखना है पहले कितना छोटा कोर है, जितना छोटा कोर यानी 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपको हीट कम करके देगा, उतनी ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस होगी, उतनी ज़्यादा बैटरी कम होगी, उतना ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो आप कोर को देखें, एक आईफोन होता है आप कोर इसके अंदर 12 कोर 8 कोर ये होते हैं, तो बढ़िया है 12 कोर का तो भी बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा कोर्स की संख्या होगी उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो आईफोन लेते हैं उसके अंदर कोर एक ही होता है, बस उसको बांट देते हैं, जैसे एक कोर उसको 4 भागों में बांट देते हैं, कोर तो एक ही होता है, इसको थ्रेड्स बोल सकते हैं, कोर तो नहीं बोल सकते, तो थ्रेड्स कहते हैं इसको, दुनिया तो कोर ही कहती है लेकिन आप थ्रेड्स बोलेंगे इसको, तो काफ़ी बढ़िया होता है थ्रेड्स के अंदर। अब बात करते हैं अपन इसके यूएसबी टाइप की, तो यूएसबी टाइप तो टाइप सी आता है, आपको बताया अभी तो मार्केट के अंदर टाइप सी का आ गया जमाना, तो माइक्रो सब बंद कुछ, तो माइक्रोवेव लेने की जरूरत नहीं है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर 2.0 3.0, तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो 3.0 आपको ज़्यादा, अगर कोई भी आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कुछ और भी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा 2.0 के कंपेरिजन में, आप देख लेना कभी भी 3.0 को लगेगा बहुत ही ज़्यादा, और चार्जिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से 10% या 20-25% का ज़्यादा मिलेगा आपको, यानी कि ज़्यादा जल्दी करके देगा, इसी स्पीड बहुत ही बढ़िया होती है 2.0 3.0 में, ये अंतर है। तो आप और एक वो और मोबाइल है जिसके अंदर OTG हो, यानी कि OTG सपोर्ट करता हो, तो कुछ मोबाइल के अंदर OTG सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आजकल इतने मोबाइल सबके अंदर OTG है तो इसकी कोई चिंता नहीं है। अब बात करते हैं 5G बैंड्स, आपको 5G बैंड्स आपको पता है कि इंडिया में भी प्रॉपर
5G नहीं आया है पूरी इंडिया के अंदर। अभी जो इंडिया के अंदर बैंड्स आए हैं वो कभी लोगों को पता नहीं है कौन से बैंड्स अभी लॉन्च हो रहे हैं। तो अब मोबाइल को उस मोबाइल को अवॉइड करने की कोशिश करें जिसके अंदर दो बैंड्स है, क्योंकि 80% चांस है कि वो 5G सपोर्टेबल नहीं होगा। 80% चांस हो, देख सकते हैं जिसके अंदर आपको 6 या 12 बैंड से ज़्यादा मिले उसी मोबाइल को ले जिसके अंदर आपको 5G के इन पूरी दुनिया के अंदर इतने बैंड्स 5G के इतने बैंड्स बहुत सारे ज़्यादा बैंड्स हैं, लेकिन अब इंडिया के अंदर पता नहीं लगा कौन सा बैंड्स यूज़ कर रहे हैं। तो दो बैंड्स वाले तो आप अवॉइड करना ही है किसी भी हालत के अंदर। दो बैंड का मतलब कोई कुछ खास नहीं है, 5G को उतने मिलेगा तो नाम के 5G है तो कुछ नहीं है, फालतू के अंदर आपको पागल बनाते हैं 5G। तो दो बैंड्स के अंदर ना लें, 6 से 12 के अंदर तो आपको चलेगा, नहीं तो मैं नहीं बता सकता 80% चांस है नहीं चलने के। अब बात करते हैं कम्युनिटी। अगर मान लो आपको आपकी कम्युनिटी होती है वो आपसे लोगों को जोड़िए जोड़े रखती है, आप अपने मोबाइल के बारे में देख सकते हैं क्या रिव्यूज़ व्यूज़ आप उसके अंदर देख सकते हैं कैसा का है क्या है। तो सभी आजकल के सभी मोबाइल के अंदर कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, तो आप कम्युनिटी खास नहीं है आपके लिए सही है। अब एक आता है सिम कार्ड टूल, उसका भी आपको बताइए ये कि ट्रे के अंदर आते हैं, तो जितना ई सिम का हो ना उतना बेस्ट है कि उसके अंदर पानी जाने का खतरा कम रहता है। ई सिम में यानी सबसे छोटी वाली यानी जो भी लास्ट का पार्ट बचता है वही वही होता है सिम के अंदर। पहले बड़ी सिम आती थी, फिर उसे माइक्रो आई, फिर ई सिम आने लगे, ऐसे होता है। तो इसलिए 11वीं बात आती है अपने सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर ऐसा है कि आप पहले चेक करिए सर्विस सेंटर सर्विस बढ़िया किसकी। मान लो अगर आपका मोबाइल डैमेज हो गया आप सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं और वो इतना खास सर्विस सेंटर नहीं है तो वो आपके मोबाइल को घुमाएगा, कभी किसी सर्विस सेंटर पे कभी किसी सर्विस सेंटर पे आपको घूमता रहेगा मोबाइल, और काफ़ी टाइम भी लगेगा उसके पार्ट्स के लिए क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे आज के अपने 11 पॉइंट, ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। तो आपको पहले तो आपको बैटरी देखनी है, तो बैटरी के अंदर आपको 33 से 50 वोल्ट के बीच में ले सकते हैं, 5000 mAh बैटरी उस पर तो कोई नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आप एंड्रॉयड iOS ये तो आते रहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो देख लेना है, सॉफ्टवेयर इतना खास नहीं है, इतना मैटर नहीं करता जितना रोम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एक चीज़ आपको मैटर करती है आपको क्या करना है, अगर आपको रील्स वील्स बनानी है तो आप उसके लिए वीवो ओप्पो या फिर आईफोन तो आपको कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, या फिर वन प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन गेमिंग के मामले में आईवीओ और पोको ही लें तो काफ़ी बढ़िया है गेमिंग के परफॉर्मेंस के मामले में। तो यही है, अब बात करते हैं अपन रोम, तो ये आपको सभी के अंदर देखने को मिल जाएगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और कोर वोर हो गया आपको पता ही है, स्नैपड्रैगन का जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, जितना छोटा नैनोमीटर होगा उतना बेस्ट है। व्यूज़ भी उस पर बताने की जरूरत नहीं है, 5G बैंड से मैंने आपको बताई थे। तो ये थे ज़्यादा मेन पॉइंट्स, इससे कोई बड़ा मेन पॉइंट नहीं है, ये सबसे बड़े मेन पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया, वापस ये देख सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ इस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन मैं पहले बता दूँ मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग, आपको मेरे सफल लागे नहीं लगा रहा होगा, लेकिन मैं अभी सेकेंड ईयर के अंदर हूँ और मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग इसी के अंदर टेक्स के अंदर। तो मुझे इसलिए मैं टेक मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी इसलिए क्या है नया नया हूँ तो टाइम लग सकता है। तो थैंक्स दोस्तों।